वेलकम व्यूअर्स, आज का वीडियो है सैमसंग J216 का। इसका एक प्रॉब्लम आया है कि सैमसंग जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद टच कम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल ये फ़ोन मैंने अपडेट किया, जो अभी जो नया वर्जन है उससे अपडेट किया, उसके बाद टच काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसका टच काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो जो सॉल्यूशन है मैं बता दूंगा आपको वीडियो में, वीडियो एंड तक देखना। फिलहाल इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, जिस वर्जन से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको वॉल्यूम अप, होम की और पावर स्विच प्रेस करना पड़ेगा एक साथ। ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो नया अपडेट दिया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाए मैं दिखाते हुए वीडियो में आपको, वीडियो इन तक देखना। अभी तो इसको फ्लैशिंग करने वाला हूँ मैं। इसके लिए आपको डाउनलोड मोड में लेना पड़ेगा। डाउनलोड मोड लेने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा वॉल्यूम डाउन, होम बटन और पावर स्विच, ठीक है। इसको एक साथ प्रेस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आ गया वॉल्यूम आप देने से कंटिन्यू होगा।
फ्लशिंग कंप्लीट हो गया, देख सकते हो प्राण बेटा आज भी वर्क करने लगा। ये देखिए टच भी कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर लाइन भी चेंज कर देता हूँ, तो इसमें भी एफआरपी लॉक है, तो आपका जो ईमेल आईडी वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे देखिए टच काम करने लगेगा, तो खुद ही सेटअप कर सकते हो इसको। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।